गर्ल्स प्रांस जा रहा है स्कूल में, इसको जा रही छोड़ने। बैग इसका रेडी हो चुका है, अभी पहन रहा है घड़ी। स्कूल में कब पहनना है? हाँ मास्क ले लो, है ना, चेक कर ले, ले ले फटाफट। चलो जा। अरे वो कुछ ना, वो ऐसे घूम रहा, वो खुद डर रहा। चल चल भिजा भी, आज मुझे लग रही छुट्टी दिखा है, हैं कोई बच्चा ही नहीं दिख रहा। छुट्टी होती तो स्कूल पे मैसेज आया, तो ग्रुप पे कोई नहीं दिख रहा, ग्रुप पे मैसेज ही ना आया। आज एक भी अच्छा नहीं दिख रहा, जाता एक दिख जाता पता चल जाएगी फालतू में। और सड़क पे मत खड़े होना, इधर खड़े होना है ना, जूस वाली दुकान पे। जा जल्दी, जा जल्दी प्रांशु, जूस वाली दुकान पे खड़े होना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? तो गाइस प्रांशु को मैं छोड़ के आ चुकी हूँ, और मुझे लग रहा था आज उसकी छुट्टी है, लेकिन मैसेज कोई नहीं ऐसा था। और आज शायद हम ही जल्दी चले गए, लेकिन हम फिक्स टाइम पे गए थे, जो हमारा टाइम होता है उसी टाइम पे गए थे, लेकिन कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा था और कोई मैसेज भी नहीं आया था। तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल की छुट्टी हो, तो इसीलिए मैं उससे बोल रही थी। और हमारे पड़ोस वाले बच्चे अब जा रहे हैं, और प्रांशु का एक फ्रेंड मिल गया, वो मैंने उसको उसके साथ भेज दिया, वो अच्छा है उसका फ्रेंड, तो चले गए दोनों। तो ठीक है जी, और वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। और मैं आई हूँ किचन में और बना रही हूँ मैं खाना। मैंने सोचा कुछ बातें की जाएँ आप लोगों से, जो कि बातें करना बहुत ज़रूरी था इसलिए। तो गाइस कुछ दिनों से मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा मूड एकदम ख़राब सा हो गया मेरा। तो इधर दाल बन रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, पहले इसको बंद कर दूँ कुकर को। तो गाइस मैं ये कह रही थी, कुछ दिनों से मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। और ये मेरा खुद का ही चैनल है, किसी और का नहीं है, जो कि गूगल से मैसेज भी आया था कि मेरा गूगल एडसेंस आ जाएगा, पिछले महीने 10 तारीख को भेज दिया है, और मुझे अभी तक नहीं मिला है वो। और जहाँ पे मैं पहले रहती थी उस वो वाला मैंने एड्रेस दिया था, तो उस वाली एड्रेस पे भी मैंने कई बार पूछा, कई बार फ़ोन भी किया, और जतिन के पापा भी देख के आए, और जतिन भी देख के आया, हमें नहीं मिला वो। तो हमने जहाँ पे अब मैं रह रही हूँ, तो मैंने ये वाला एड्रेस दे दिया है, तो देखते हैं कब तक आ जाएगा। और एकदम मेरे व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, हो जाएगा, हो सकता है कुछ टाइम लगे। तो लगातार मैं वीडियो अपनी डाल रही हूँ और डालती रहूँगी, ऐसी बात ये नहीं डालूंगी, मैं वीडियो डालूंगी पक्का और डालती हूँ। और व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, बस यही मुझे टेंशन हो रही है क्या करूँ क्या ना करूँ मैं। ये मेरा खुद का ही चैनल है, और खुद का ही चैनल है, खुद ही वीडियो बनाती हूँ मैं, खुद ही अपना डालती हूँ। तो मतलब 2 महीने से ज़्यादा मैं टेंशन में आ रही हूँ, और शर्म की वजह से मैं नहीं बता रही थी। मैंने कि क्या बताऊँ मैं, शायद अपने आप ही समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एकदम बेकार फील कर रही हूँ मैं। बहुत एकदम रोने का मन हो रहा है मेरा,
मैं कभी किसी के सामने ऐसी बातें नहीं करती हूँ जो कि आज मैं बता रही हूँ। मैं अंदर से ना एकदम बहुत ज़्यादा रोने जैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मुझे इस चैनल से और यूट्यूब से बहुत ज़्यादा मेरी आस जुड़ी है और जो कि मैं बहुत कुछ करना चाहती थी इससे अपने चैनल के द्वारा और वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो प्लीज़ मेरा साथ दें और मेरा समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। और मैं शायद हो सकता है कि मैं कभी चैनल पर बताती नहीं हूँ इन बातों को, तो हो सकता है कुछ शायद मुझे आजमाने के लिए मतलब मेरे व्यूज डाउन किए गए हों। जतिन था तो मैं बस मैंने कि देखो मैं बता के देख लूँ शायद मेरी समस्या का समाधान हो जाए, तो मैं इसीलिए आई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। तो ये मेरा खुद का ही चैनल है, किसी और का चैनल नहीं है। तो प्लीज़ मेरी समस्या का समाधान करें और मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, ऐसे मेरे व्यूज़ डाउन ना करें, मैं बहुत टेंशन में आ चुकी हूँ। तो ठीक है, देखते हैं अभी जो एड्रेस डाला है शायद इस पे आ जाए और मेरा चैनल अच्छे से ग्रो करने लगे। तो बहुत एकदम मतलब मैं व्यूज़ देखती हूँ अपने तो बहुत ज़्यादा एकदम बेकार सा लगता है। मतलब यही है कि चैनल ठीक से नहीं चल पा रहा है तो कुछ लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है, कहने वाले मुझसे बोलते भी हैं कि तुम्हारे व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे, क्या चैनल है क्या नहीं। मतलब बहुत शर्म जैसा फील करती हूँ मैं और एकदम बेकार सा लगने लगता है मुझे। तो प्लीज़ मैं यूट्यूब से बोल रही हूँ मेरी समस्या का समाधान करें जल्दी से जल्दी, या तो कुछ मैसेज भेजें या कुछ ना कुछ करें। और मेरा एडसेंस अभी तक मुझे नहीं मिला है, मैंने दो बार एड्रेस दे दिया, मुझे एडसेंस नहीं मिल रहा है। कृपया करके मुझे एडसेंस मेरा भेज दें और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कैमरा के द्वारा आपसे बातें कर रही हूँ और बता रही हूँ मेरी समस्या का समाधान करें प्लीज़। तो ठीक है जी, जो बातें थी मैंने अपनी बता दी, तो अभी जो काम है मैं उसको कर लूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए। अभी बना रही हूँ मैं खाना, खाने में बना रही हूँ दाल। और मैंने शाम की पूजा कर दी है, प्रांशु अपने रूम में है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बताया था ना कल कि उसको खांसी हो गई, तो उसकी खांसी मतलब ठीक नहीं हो रही। मैंने जतिन को बोला तू दवाई ला के दे दे, वो नहीं ला रहा, उसकी दवाई मना कर रहा है और बोल रहा है कि इसको खांसी होने दो, जब मानता नहीं है तो फिर क्या करें। मैंने कहा ऐसा मत कर, तू ला देगा लेकिन थोड़ा परेशान करेगा, ला देगा ऐसी बात नहीं है। और अपने रूम में अभी ट्यूशन पढ़ के आया है, ट्यूशन पढ़ के और थोड़ा सा फ़ोन चला रहा है, और मैं अपना खाना बना रही हूँ, जतन कर रहा है पढ़ाई। तो बस व्यूज़ को लेके थोड़ा दिमाग टेंशन में हो रहा है बहुत ज़्यादा, और नहीं मेरा दो महीने से एडसेंस भी नहीं आया। तो प्लीज़ 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 थोड़ा ध्यान दें मेरे चैनल पे। तो बस ठीक है, आगे की जो बातें होंगी अगर आ जाएगा मेरा एडसेंस और मैं आप लोगों को दिखा दूँगी और बताऊंगी। तो हो सकता है कुछ टाइम लगे, इसीलिए थोड़ा व्यूज मेरे डाउन किए गए हों। एडसेंस आ जाएगा शायद जब चैनल थोड़ा अच्छा चलने लगे। तो बस पता नहीं यूट्यूब का, मुझे इतना पता नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो इस वीडियो करती मैं यहीं पे एंड, क्योंकि जो आगे का जो मैंने काम किया है, जो भी ब्लॉग बनाया है, वो मेरा दो पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और बहुत एकदम मज़ेदार बनी है जो कि आपको देखने को मिलेगी दूसरे पार्ट में। तो ये तो मेरी कुछ गूगल एडसेंस को लेके कुछ बातें थीं, तो इसीलिए मैंने इसमें बताई हैं, और ज़्यादा ब्लॉग बड़ा ना हो इसीलिए मैंने दो पार्ट में कर दिया इसको। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरा पार्ट। तो पक्का मेरे दूसरे पार्ट को देखना,
तो बहुत ही मज़ा आने वाला है उसमें। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।